जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ इन दिनों मोर्चा खोला है, उसके बाद पार्टी में हालात और बिगड़ चुके हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर पटना से है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी कार्रवाई कर सकती है। तेज प्रताप अगर आगे भी पार्टी विरोधी इसी तरीके से बयान देते रहे जो बीते 72 घंटे से वो दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा तेज प्रताप को उठाना पड़ सकता है। वो लगातार कैमरों के सामने आके, मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ भला बुरा बोल रहे हैं, और यही कुछ चीजें पार्टी आलाकमान यानी उनके अपने पिता, उनके अपने भाई लालू यादव और तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आ रहा है। आज तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने उनके घर गए, लेकिन तेजस्वी ने अपने बड़े भाई से मिलने में आनाकानी की। कल प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ काफी भला बुरा कहने के बाद आज तेज प्रताप यादव तेजस्वी से मिलने गए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तेज प्रताप का यह आरोप है कि तेजस्वी से वो मिल रहे थे कि तेजस्वी के खास संजय यादव उन दोनों भाइयों के बीच में आ गए। दरअसल सारी लड़ाई इन्हीं संजय यादव को लेकर है, और आरोप यह है तेजस्वी का, तेज प्रताप का, कि संजय यादव तेजस्वी को लेकर अंदर चले गए और उनसे बात नहीं करने दी। दोनों भाइयों के बीच बढ़ती दरार को देखकर लगता है कि लालू के परिवार में पार्टी पर दबदबे को लेकर घमासान काफी तीखा हो चुका है। देखिए इसी पर मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार की एक खास रिपोर्ट कि क्या ये लालटेन जलती रहेगी या बुझने का इसके वक्त आ गया है। अब पिताजी से जाकर के पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव, पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। विरासत की राजनीति जब सिर चढ़कर बोली तो 33 साल के लालू के बड़े लाल अपने आपे में नहीं रहे। होंगे जगदानंद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, होंगे वो लालू प्रसाद के बेहद करीबी, होंगे राजनीति के पुराने खिलाड़ी, लेकिन परिवार की पार्टी में तेज प्रताप उनको उनकी हैसियत दिखाने पर अड़ गए हैं। नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे इस संविधान को लेकर। भक्ति भाव में डूबे तेज प्रताप अच्छे से जानते हैं कि शक्ति तो सत्ता में होती है। तेज प्रताप धर्म कर्म की बातें भले करते रहें, लेकिन सत्ता के प्रताप से अनजान भी नहीं है। इसीलिए 6 अगस्त को जब आरजेडी दफ्तर में ही छात्र आरजेडी की बैठक की तो उसमें सिर्फ अपने करीबी नेताओं को बुलाया और पोस्टर पर तेजस्वी की तस्वीर नहीं लगने दी। इस पर सवाल उठा तो जवाब कुछ ऐसा था, बनेंगे, हमने तो हमेशा बोला कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए, इन लोग का मेन मकसद यही है। तेज प्रताप जुबान से भले ही तेजस्वी को अपना अर्जुन कहते हो और खुद को कृष्ण, लेकिन वो युधिष्ठिर की तरह ताज अपने सिर पर चाहते हैं। और हाँ, कृष्ण अर्जुन से याद आया कि आज तेज प्रताप तेजस्वी से मिलने गए, लेकिन वहाँ से निकले तो शिकायतों का पुलिंदा लेकर। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला, हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। दूसरी तरफ तेज प्रताप को लगता है कि उनके सपनों के रास्ते में जगदानंद खड़े हो गए हैं, इसीलिए उनके खिलाफ जब तब फुफकारते रहते हैं। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जगदानंद जी वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे। तेज प्रताप के रुख से नाराज जगदानंद ने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन तेजस्वी राबड़ी और लालू यादव के मनाने से मान गए, फिर भी कड़वाहट गई नहीं। 15 अगस्त को तो पार्टी दफ्तर भी नहीं गए, जिसके कारण तेजस्वी को झंडा फहराना पड़ा, लेकिन तेजस्वी जगदानंद की नाराजगी को भांप गए और फिर राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी, तेजस्वी और जगदानंद की बैठक हुई। बैठक से निकलने के बाद वो सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने तेज प्रताप के करीबी छात्र नेता आकाश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया और गगन को कमान दे दी। तेज प्रताप को रौद्र रूप दिखाने के लिए इतना ही काफी था। तो गठन जिसका था ही नहीं,
तो उसकी क्या बैठक होगी? हमारा जो अध्यक्ष है, जो बना हुआ, वो आया हुआ है, नौजवान, बहुत तेज, जो पिछली बार लाठियां चली, माथा तोड़ दिया था उसका, वह पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है कानून में। छात्र के संरक्षक को पूछा नहीं गया, फिर से पार्टी कार्यालय में कोई भी आदमी जाता है तो उसको बेइज्जत करके लौटा दिया जाता है। पिताजी के साथ वो मंत्री रह चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सम्मान करने का काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिना किसी को नोटिस दिए हुए कि भाई उसकी गलती क्या है। लालू की पार्टी में मचा ये घमासान उनके घर में सत्ता की लड़ाई को दिखाता है। लालू पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप विधायक हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं, बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा की सांसद हैं, और लगता है कि पार्टी में दबदबे को लेकर परिवार में दरार पड़ने लगी है। तेज प्रताप और जगदानंद लालू के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में अंपायर बनना चाह रहे हैं क्रिकेटर से नेता बने लालू के छोटे लाल तेजस्वी। वो इस तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। ऊपर से देखने में मामला पार्टी का लगता है, लेकिन है विशुद्ध घर के अंदर का। इसीलिए घर के मुखिया को ही अब फैसला लेना है। मुखिया यानी लालू प्रसाद, जो दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पटना में निधि झा के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। आपको यहाँ पर दो बातें समझनी होगी। ये दोनों भाई जो हैं तेजस्वी और तेज प्रताप, उम्र में तेज प्रताप बड़े हैं, तेजस्वी छोटे हैं, लेकिन राजनीतिक सियासत को सौंपने के हिसाब से लालू यादव ने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, सबकी जानकारी में तेजस्वी को बड़ा दिखा दिया है। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लालू और राबड़ी जी को ये लगता है कि तेजस्वी ज़्यादा प्रभावी नेता बन सकते हैं तेज प्रताप यादव से, और शायद इसीलिए तेज प्रताप के मन में वो गठान अभी भी है। हालांकि वो बोलते नहीं हैं, वो हर जगह यही कहते हैं कि अपने छोटे भाई तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन अब ये मन की कसक कहीं ना कहीं इस झगड़े में भी दिखाई देती है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन उनके भाई तेज प्रताप आज उनके घर से गुस्से में निकले कि उनको उनके भाई से मिलने ही नहीं दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार में दोनों बेटों में विवाद काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तेज प्रताप पर कार्रवाई के आसार इसलिए दिख रहे हैं कि जगदानंद सिंह के खिलाफ बयानों से बेहद नाराज है लालू यादव। तेज प्रताप ने हिटलर तक कहा है जगदानंद सिंह को। जगदानंद सिंह लालू यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ यह भी खबर है कि जब जगदानंद ने लालू से अपनी नाराजगी जताई तो लालू की तरफ से कार्रवाई की खुली छूट उनको मिली है। साथ ही तेजस्वी भी अपने भाई से परेशान नजर आते हैं, और शायद इसीलिए तेज प्रताप जब घर गए तो तेजस्वी उनसे नहीं मिले, जैसा कि खबरें निकलकर बाहर आई हैं, जैसा कि रिएक्शन तेज प्रताप का आया है। ऐसे में अगर आगे तेजस्वी के किसी बयान पर एतराज हुआ तो वो मुश्किल में पड़ भी सकते हैं। ये सारा झगड़ा परिवार का है, तो परिवार में कोई तेजस्वी के साथ होगा तो कोई तेज प्रताप के साथ। कौन परिवार में कहां बटा हुआ है, इनको भी एक ग्राफिक्स में समझिए। पार्टी और परिवार की तराजू लालू के हाथों में है, जिसमें एक पलड़े पर तेजस्वी के साथ मां राबड़ी देवी हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी हैं। वहीं दूसरे पलड़े पर मीसा भारती, जो कि सबसे बड़ी बेटी है, सबसे बड़ी बहन है, सांसद हैं, वो अपने भाई तेज प्रताप, जो कि बड़े हैं, उनके साथ है। लेकिन 100 सोनार की और 1 लोहार की, तो सवाल यह है कि लालू किस लाल के साथ खड़े होंगे, यही बता रही है मेरी सहयोगी निधिश्री झा अपनी इस खास रिपोर्ट में। कैसे सुरक्षित रहेगा राष्ट्रीय जनता दल और कौन रखेगा सुरक्षित? लालू बीमार है और उनके दोनों बेटों में वर्चस्व के लिए घमासान है, तो सवाल है कि लालू करेंगे क्या, क्योंकि दोनों बेटों के पास लालू के नाम की ही पूंजी है। मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, हम क्यों माने उसको नेता? हम मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को, दूसरा लालू यादव, ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। तेज प्रताप का गुस्सा जगदानंद के बहाने अपने भाई तेजस्वी पर फूटा।
बड़ा भाई होने के नाते तेज प्रताप अपने लिए जो जगह चाहते हैं वो उनको मिल नहीं रही। लेकिन अगर ऐसे ही उनकी बगावत चलती रही तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तेज प्रताप सिर्फ रिश्तों की भावुकता देख रहे हैं, जबकि राजनीति सिर्फ भावना से नहीं चलती। तभी तो पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर लालू ने जिन लोगों की जमकर तारीफ की, उनमें वो जगदानंद भी हैं, जिनको तेज प्रताप फूटी आंख देखना नहीं चाहते। यशस्वी भाषण जगता जी देते हैं, इतनी जानकारी है, बहुत जानकारी है जगदानंद सिंह को। अब तेजस्वी की बात कीजिए तो इन्हें लालू ने आरजेडी की कमान बहुत पहले सौंप दी थी और तेज प्रताप बस अपनी जुबानी ही उनके सारथी बनकर रह गए। लेकिन आखिर बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे पर लालू को ज्यादा भरोसा क्यों है? लालू प्रसाद यादव की 9 संतानों में 7 बेटियां हैं और 2 बेटे, इनमें से 3 राजनीति में हैं। बेटी मीसा को लालू ने दिल्ली भेज दिया है तो बिहार की कमान छोटे बेटे तेजस्वी के हाथ में है। बड़े बेटे तेज प्रताप राजनीति में तो हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ शंख बजाने का रह गया है। दरअसल तेज प्रताप को पार्टी की कमान न देने का फैसला लालू यादव ने बहुत सोच समझ कर किया है। इसके पीछे है उनकी शख्सियत। तेज प्रताप तुनक मिजाज है, धार्मिक कामों में उनकी रुचि ज्यादा है, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। तेज प्रताप की शादी और तलाक के बाद परिवार की किरकिरी उनके इसी मिजाज के चलते हुई। कभी तेज प्रताप बांसुरी बजाते हुए नजर आते हैं, कभी शिव का रूप धारण किए हुए, कभी हैंडपंप के नीचे नहाते हुए देखे जाते हैं, तो कभी अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वृंदावन में पाए जाते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव की कोशिश लालू यादव के अंदाज की कॉपी करने की रही है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के सियासी महारत को हासिल करना उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। तेजस्वी जबकि संतुलित है और उनके राजनीति में सबको साथ ले चलने की जो क्षमता है उसको लालू ने परख ली है। अब लालू यादव के सामने दोनों बेटों को साधने की चुनौती है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी का भाषण ज्ञान तो है ही, लेकिन मेरा बड़ा लड़का भी तेज प्रताप यादव का भाषण सुना हमने, लगातार जो भाषण किया उस भाषण में दम है। लेकिन तेज प्रताप के बदले रुख से लालू की परेशानी भी बढ़ गई है। तेज प्रताप अब खुलकर बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। सवाल ये है कि अपनी सियासी विरासत का बंटवारा कर चुके लालू यादव क्या दोनों बेटों की महत्वाकांक्षा को साध पाएंगे या टूट जाएगा लालू परिवार? माना ये जा रहा है कि ये सारा झगड़ा पार्टी पर दबदबे को लेकर चल रहा है। नवंबर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल पूरा होने वाला है। लालू की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है, हम सब जानते हैं। ऐसे में अगर वो अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर वो जिम्मेदारी किसको मिलेगी? पार्टी की बागडोर संभालने के लिए लालू के दोनों लाल दावा ठोक सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता भी हैं, तेजस्वी छोटे भाई जो कि उप मुख्यमंत्री थे, इसीलिए बड़े भाई तेज प्रताप पार्टी पर अपनी बड़ी भूमिका चाह सकते हैं। और ये लगता है कि लालू के दोनों बेटों की लड़ाई में जगदानंद सिंह मोहरा बने हुए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।